दोस्तों किंग खान, जी हाँ दोस्तों, किंग खान की नेक्स्ट मूवी पैथर को लेकर बॉलीवुड के हीरो प्रभास का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। आप सभी को बता दे कि एसआर की अगली फिल्म साउथ के एक्शन डायरेक्टर के साथ बनने वाला है। वहीं दोस्तों प्रभास का कहना यह है कि लोकेश जिस लेवल के डायरेक्टर हैं वो शाहरुख के साथ ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। वही दोस्तों आप सभी को बता दे कि शाहरुख खान की इस फिल्म पैथर का बजट जो है वह दोस्तों 500 करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट के माने तो यह बताया जा रहा है कि इस बार किंग खान रोमांटिक फिल्में नहीं करने वाले हैं। और अब दोस्तों शाहरुख खान ओनली एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं और फैंस लोग का भी यही मानना है कि शाहरुख खान का फिल्म जो आए वह एक्शन से भरपूर हो। और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के 3 फिल्में आने वाली है जिसका अनाउंसमेंट शाहरुख खान बहुत जल्द ही करने वाले हैं। और वहीं दोस्तों पिछले साल यानी कि 2023 में शाहरुख खान ने 3 फिल्में बनाकर एक बहुत ही बड़ा इतिहास बना डाला है। और शाहरुख खान की 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। और दोस्तों शाहरुख खान उन 3 फिल्मों जवान, पठान और डंकी से बहुत ही ज्यादा का कलेक्शन किया है। और दोस्तों आज भी वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हर एक दिन गर्दा मचा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट के माने तो यह खबर निकलकर सामने आ रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म 2023 में 3 नए फिल्मों का अनाउंसमेंट होने वाला है और बहुत जल्द ही आप लोग को उन फिल्मों का टीजर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी तरह को फिल्मी अपडेट को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।